Hello kids, today we are going to learn the first chapter of SST, Know Your Planet. In today's video, we will learn shape of the earth, globe and maps. आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हमारा प्लेनेट कौन सा है? हमारा प्लेनेट है अर्थ. और आज के चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हमारे अर्थ का शेप कैसा है, ग्लोब क्या होता है और मैप्स क्या होता है, और किस चीज के लिए ग्लोब बेटर है और किस चीज के लिए मैप्स बेटर है. ठीक है. व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स? कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस. ये देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? The large land masses on the earth surface are called continents. हमारा जो अर्थ है वो दो ही चीज से मिलकर बना है, एक continents और एक oceans. तो ये क्या है? Continents. और कितने continents है? सात. What are oceans? Oceans are the large water bodies on the earth. The large water bodies on the earth surface are called oceans. ये आर्कटिक ओशंस, अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक और सदर्न ओशन. सदर्न ओशन को और क्या बोलते हैं? सदर्न ओशन इज आल्सो नोन एज एंटार्कटिक ओशन. हाँ. हु प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड? फर्डिनेंड मैगेलन, अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड. यस. ये देखो, ये जो है इसको पहचान लो, कौन है ये? फर्डिनेंड मैगेलन. फर्डिनेंड मैगेलन. फर्डिनेंड मैगेलन ए पोर्टुगीज एक्सप्लोरर सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड. इसने क्या किया? अगर कोई पृथ्वी के ऊपर सेल करेगा, नाव लेकर चलेगा या जहाज लेकर चलेगा, तो क्या होगा? वो घूम कर वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी तो गोल है. तो इसने क्या किया? इसने सेल करना शुरू किया और वापस उसी जगह पर आ गया. तो इसने क्या प्रूव किया? दैट द अर्थ इज राउंड. तो ये कौन है? फर्डिनेंड मैगेलन. तो अब इसका चेहरा याद रहेगा? यस. पिक्चर्स टेकन फ्रॉम स्पेस हैव आल्सो प्रूव्ड दैट द अर्थ इज लाइक ए स्फीयर. जो पिक्चर स्पेस से लिया गया उससे भी ये प्रूफ होता है कि हमारा अर्थ क्या है? राउंड है, स्फीयर की तरह. लेकिन ये पूरी तरह से स्फीयर की तरह नहीं है, क्योंकि स्फीयर जो होता है, स्फीयर क्या होता है? उसका डायमीटर जो होता है, डायमीटर किसको कहते हैं? ये सेंटर से जो लाइन इधर से और इधर से आती है, डायमीटर. लेकिन उसका जो, इसका जो डायमीटर है, जो अगर कोई स्फीयर है तो स्फीयर का क्या होता है? डायमीटर हर जगह से बराबर होगा. या तो तुम इधर से इधर लो, ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ लो, या फिर यहाँ से यहाँ लो, ये स्फीयर में क्या होगा? इक्वल होगा. लेकिन अर्थ में ये इक्वल नहीं होता, ये स्फीयर की तरह है लेकिन पूरी तरह से स्फीयर जैसा नहीं है. ठीक है, पूरी तरह से स्फीयर जैसा नहीं है, लेकिन है ये गोला ही, ये चपटी नहीं है, चपटा सरफेस नहीं है, ये है एक गोला ही. ठीक है, लेकिन पूरी तरह से स्फीयर नहीं है. इट इज राउंड बट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड एट द बॉटम. ये राउंड है लेकिन टॉप और बॉटम से क्या है? थोड़ा सा फ्लैट है. व्हाट इज ए ग्लोब? A globe is a simple but accurate model of the earth. ये देखो, ये है हमारा ग्लोब. ग्लोब में क्या होता है? हमारा जो अर्थ है, अर्थ भी इसी तरह से क्या है? हमारी अर्थ इसी तरह से झुकी हुई है, 23.5 degree, है ना? ये ऐसे झुकी हुई है. तो इसी तरह, जिस तरह का हमारा अर्थ दिखता है उसी तरह का ये ग्लोब भी दिखता है. ठीक है, ये ग्लोब किस तरह दिखता है? जिस तरह हमारा अर्थ दिखता है, बस उसी का एक छोटा सा रूप है हमारे अर्थ का. ठीक है, ए ग्लोब इज ए सिंपल एंड एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ. व्हाट डज ए ग्लोब शो? अ ग्लोब शोज ऑल द कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस एंड देयर करेक्ट शेप्स, साइजेस एंड लोकेशन. A globe shows the distribution of land and water on the surface of the earth. We can also see the correct shape, size and location of the continents and oceans on a globe. Globe में हम क्या देखते हैं?
कॉन्टिनेंट्स और ओशंस, और ग्लोब में क्या होता है वो करेक्ट प्रोपोर्शन में दिखाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा अर्थ भी उसी शेप का है जिस शेप का कि ग्लोब है, तो वो करेक्ट प्रोपोर्शन में दिखाता है, वो उसी का एक छोटा रूप है और प्रोपोर्शन में वो करेक्ट है, ठीक है, ग्लोब। Why cannot we always use a globe to study the earth? We can't always use a globe because a large globe is hard to carry around. A globe is small and you can't see all the details on it. A globe can't be made about a small part of the earth. You can only see one half of the globe at a time. लेकिन क्या है ना कि ग्लोब को हम हमेशा यूज नहीं कर सकते। ग्लोब जो है वो एक्यूरेट तो है, एक्यूरेट है, लेकिन हमेशा उसको यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि A large globe is difficult to carry. Globe को carry करना तो थोड़ा difficult होगा ही. A globe is small and all the details of a place cannot be shown on it. Globe जो है वो क्या है? Small है तो उसमें सारे, उसमें तुम क्या कहते हैं ये continent और oceans तो देख लोगे, यहाँ पर continents है, यहाँ पर oceans है, लेकिन उस continents के अंदर जितने country हैं, उस country के अंदर जितने states हैं, उस state के अंदर जितने district हैं या town है, city, क्या उसको detail में तुम देख सकते हो globe में? No. नहीं देख सकते। We cannot make a globe for a part of the earth. किस earth के किसी part के लिए हम globe का use नहीं कर सकते। Only one half of the earth can be seen at a time on a globe. अगर आप ग्लोब देखेंगे तो क्या होगा, ग्लोब में अर्थ का एक ही पार्ट दिखेगा, पूरा का पूरा अर्थ एक साथ नहीं दिखेगा। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, ग्लोब से ज्यादा बेटर क्या होता है, मैप। कभी कभी ग्लोब से ज्यादा बेटर मैप होता है। तो अब हम समझेंगे कि मैप क्या है। What is a map? A map is a representation of the earth's surface or part of it on a flat surface. ये है मैप। अब मैप में क्या हो रहा है, सारी की सारी पृथ्वी एक साथ दिख रही है, सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स भी दिख रहे हैं और सारे के सारे ओशंस भी दिख रहे हैं। ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सर्फेस और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सर्फेस। ये क्या है, ये हमारा अर्थ सर्फेस है ना, और ये देखो ये क्या है, पार्ट, अर्थ सर्फेस का एक पार्ट है। तो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, इसमें जब हम पूरे अर्थ को देखते हैं तो सिर्फ हम इंडिया को देख सकते हैं, और इसमें क्या है, हम इंडिया के, इंडिया को ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं। इसमें हम बस बिहार को देख सकते हैं, बिहार और पटना लिखा हो, लेकिन जब हम बिहार के मैप को देखेंगे तो क्या होगा, बिहार के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उसको भी हम ज्यादा डिटेल में देख सकेंगे, है ना। तो जब किसी पार्ट को देखना होता है, जब अर्थ के किसी पार्ट को देखना होता है तो ज्यादा बेटर क्या होता है, मैप। जब पार्ट को देखना होता है तो ज्यादा बेटर क्या होता है, मैप। यस, द वर्ड मैप इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? द वर्ड मैप इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो व्हिच मींस अ नैपकिन। द वर्ड मैप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो व्हिच मींस अ नैपकिन। ये एक लैटिन वर्ड मैपो से लिया गया है, मैप वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, नैपकिन। Who was the first person to publish a collection of maps in the form of a book? Gerardus Mercator, a Flemish map maker, was the first person to publish a collection of maps in the form of a book. Yes, ये देखो ये ही है Gerardus Mercator। अब इसका फेस याद रहेगा? Yes. बच्चों इसका फेस आप लोग ध्यान से देख लो। वैसे तो मुझे तो वो कौन था जिसने कि अर्थ का पता किया था, फर्डिनेंड मैगेलन और ये Gerardus Mercator। मुझे तो सबके फेस एक जैसे ही लग रहे हैं, आप लोग को अलग लग रहा है? तो ये है Gerardus Mercator, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये कौन है, Gerardus Mercator। Gerardus Mercator का चेहरा अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये कौन है, Gerardus Mercator, a Flemish map maker, was the first person to publish a collection of maps in the form of a book. तो Gerardus Mercator ने क्या किया था, एक बुक पब्लिश किया था जिसमें कलेक्शन ऑफ मैप था, ठीक है। What is an atlas? An atlas is a book of map. तो वो जो book of map है उसको क्या बोलते हैं, atlas. Atlas. We can draw maps on a flat surface to show continents, countries, cities and even a neighborhood. जब जब हम मैप यूज करते हैं तो क्या करते हैं, मैप तो फ्लैट सरफेस में बनाते हैं, तो उसमें हम लोग कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज एंड
आप नेबरहुड सब कुछ दिखा सकते हैं। यू कैन ड्रॉ ए मैप ऑफ योर स्कूल एंड शो ऑल द डिटेल्स ऑन इट। यहाँ तक कि मैप में आप क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल को भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसके सारे डिटेल को भी दिखा सकते हैं। इन दिस वे ए मैप इज बेटर देन ए ग्लोब। तो इस तरह से क्या हुआ, अगर हमें एक एक डिटेल किसी जगह का दिखाना है तो ऐसे ऐसे टाइम पे क्या हुआ, जब हमें एक एक डिटेल दिखाना है तो इसमें क्या होता है, मैप बेटर होता है। जब एक एक डिटेल दिखाना है किसी छोटे से जगह का, किसी छोटे से जगह का एक एक डिटेल दिखाना है तो बेटर क्या है, मैप। हाउएवर द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड इट्स सरफेस इज कर्व्ड। लेकिन अर्थ क्या है, अर्थ स्फेरिकल है और इसका सरफेस क्या है, कर्व्ड है, प्लेन नहीं है, कर्व्ड है। ए कर्व्ड सरफेस कैन नॉट बी शोन करेक्टली ऑन ए फ्लैट सरफेस। तो जब हम कर्व्ड सरफेस को फ्लैट सरफेस पर दिखाएंगे तो क्या हम करेक्टली दिखा सकते हैं, नो। सच एज पेपर, अब देखो, ट्राई टू कवर ए बॉल विथ ए शीट ऑफ पेपर विदाउट क्रीजिंग इट। अब कोई बॉल ले लो और उसको प्लेन पेपर से कवर करने की कोशिश करो तो क्या बिना उसको क्रीज किए तुम कवर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, आप इसे नहीं कर पाओगे। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एन एक्यूरेट मैप ऑफ ए कर्व सरफेस। जब किसी पार्ट को दिखाना है तो बेटर क्या है, मैप। लेकिन जब पूरे होल अर्थ को दिखाना है तो बेटर क्या है, ग्लोब। ग्लोब, क्योंकि पूरा अर्थ जो है वो स्फेरिकल है ना, पूरा अर्थ जो है वो स्फेरिकल है और ग्लोब भी हमारा बिल्कुल उसी शेप का है जिस शेप का अर्थ है। तो जब हमें पूरा का पूरा अर्थ दिखाना है तो ग्लोब इज बेटर, और जब हमें किसी पार्ट का डिटेल दिखाना है तो मैप इज बेटर। ठीक है, समझ गए कब ग्लोब बेटर होता है और कब मैप बेटर होता है। हाउएवर स्मॉल एरियाज कैन बी रिप्रेजेंटेड फेयरली एक्यूरेटली ऑन मैप्स, दिस मेक्स मैप यूजफुल टूल्स टू स्टडी द अर्थ। तो जब हमें पूरा का पूरा अर्थ देखना है, पूरा का पूरा अर्थ का शेप कैसा होता है ये देखना है तो हम लोग ग्लोब यूज करेंगे। जब अर्थ के किसी पार्ट का डिटेल जानना है तो मैप यूज करेंगे। तो हमारे लिए जरूरी क्या है, दोनों है ना, दोनों जरूरी है। द अर्लिएस्ट सर्वाइविंग ग्लोब इज द अर्लिएस्ट सर्वाइविंग ग्लोब इज द अर्थ एप्पल आल्सो नोन एज अर्थ एप्पल। ये देखो यही है, इसको क्या बोलते हैं, एडाफल और अर्थ एप्पल। एडाफल वाज मेड बाय हूम, एडाफल वाज मेड बाय मार्टिन बेहम। ये देखो ये है मार्टिन बेहम, मार्टिन बेहम ने ही एडाफल बनाया था। ठीक है, इसका फेस याद रहेगा, यस, मार्टिन बेहम का। अगर फेस याद ना रहे तो वीडियो को फिर से देख करके आप लोग फेस को अच्छे से पहचान लेंगे। ठीक है, हु पेंटेड द मैप ऑन द एडाफल, जॉर्ज ग्लोकेंडन। जॉर्ज ग्लोकेंडन, ये है जॉर्ज ग्लोकेंडन। जॉर्ज ग्लोकेंडन का फेस याद रहेगा, यस। तो इसने क्या किया था, ग्लोब को पेंट किया था, उसके ऊपर ओशंस और कॉन्टिनेंट्स को बनाया था। ठीक है, पेंट करके। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, शेप ऑफ द अर्थ, ग्लोब्स एंड मैप्स। यस, आज हमने जाना कि हमारे प्लेनेट का, हमारा प्लेनेट कौन सा है, अर्थ। हमारे प्लेनेट का शेप कैसा होता है, ग्लोब का क्या यूज है और मैप्स का क्या यूज है। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न टाइप्स ऑफ मैप्स, रीडिंग मैप्स, डायरेक्शंस, स्केल, सिंबल्स एंड कलर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि मैप्स कितने टाइप्स के होते हैं, मैप्स को रीड कैसे करते हैं, उसमें डायरेक्शन कैसे पता चलता है और स्केल किसे कहते हैं, सिंबल का कैसे यूज होता है और किसके लिए कौन सा कलर यूज होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके क्या करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और तब तक क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, बाय।